कजन, फ्रॉड सैया फिल्म रिलीज की कगार पे जानना चाहूंगा कैसे आप फिल्म का हिस्सा बने। अगर आपको शुरू से बताऊं तो मैं आई थी बॉम्बे और थिएटर कर रही थी। मुझे पता चला कि ऑडिशन हो रहे हैं, मैं गई ऑडिशन के लिए और फर्स्ट ऑडिशन किया मैंने। उसके बाद एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आया वहाँ से वापस, तो मैं गई। उन्होंने सेकंड ऑडिशन किया, तब मुझे ब्रीफ किया कि कैसा कैसा रोल है, किस तरीके से आप अरशद वारसी के ऑपोजिट हो। ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैं एकदम न्यू थी, तो मैंने इस तरीके से मुझे फिल्म मिली और ऑफ कोर्स पार्ट बन के, इस फिल्म का पार्ट बन के मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आप मानती हैं कि आपकी कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट होगा फिल्म फ्रॉड से ही? ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट्स तो पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं नहीं जानती। बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जब भी मैं अरशद वारसी या बड़े प्रोडक्शन या प्रकाश जी जैसे लोगों के साथ जब भी काम करती हूँ तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है ना। और जब आप थिएटर बैकग्राउंड से होते हो तो कुछ इस तरीके का इमेजिन करते हो कि आपको कुछ करने को मिले और अच्छा प्रोडक्शन मिले, अच्छे ऑपोजिट एक्टर्स अच्छे हों, तो को एक्टर्स अच्छे हों आपके। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैंने आई थिंक 2014 में ये फिल्म की। फिल्म थोड़ी सी डिले है, थोड़ा लेट रिलीज़ हो रही है, बट मेरे लिए बड़ी बात है। एक्चुअली आई एम द पार्ट ऑफ द फिल्म। सो क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का आपके किरदार को लेके? कास्टिंग चल रही थी और जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया कि कैरेक्टर का नाम है नमिता, जो कि मैंने प्ले किया है नमिता। और ऐसा कैरेक्टर है कि मतलब जो सो कॉल्ड यू नो वाइफ्स होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, जो पति के लिए ऑफ कोर्स कंसर्न होती हैं एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चीज़ें मतलब तुम कब आओगे टाइप्स, तो उस तरीके की वाइफ है ये। और मुझे शेयर किया, उन्होंने ब्रीफ किया कि ये अरशद के ऑपोजिट है, वो उसकी वाइफ है नमिता, वन ऑफ द वाइफ है। तो ऑफकोर्स अरशद वारसी तो ऑफकोर्स मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे उनके ऑपोजिट ये उनकी वाइफ का रोल निभाने का मौका मिल रहा है। इतना बड़ा प्रोडक्शन है, बैनर है और डायरेक्टर्स अच्छे हैं ऑफकोर्स। तो ऑफकोर्स क्या सीखा आपने अरशद वारसी वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? उनका जो कॉमेडी पंच है ऑफकोर्स, मतलब मुझे नहीं लगता कि गोविंदा सर के बाद किसी का था इंडस्ट्री में, बट जो अरशद वारसी का है हम कह सकते हैं कि उनका कॉमेडी पंच बहुत अच्छा है। मतलब अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। यार प्लीज साइलेंस रहो। हाँ, क्या लव मेकिंग सीन भी हैं आपके अरशद वारसी के साथ, और अगर थे तो आर यू आर कंफर्टेबल बाय डूइंग दैट? फर्स्ट थिंग तो कि ऐसा कोई सीन नहीं था, और होता तो आई थिंक वो कैरेक्टर की डिमांड होती है, सब्जेक्ट की डिमांड होती है मे बी, बट ऐसा कोई सीन नहीं था। फ्रॉड सैया की मैं बात करूँ, हमने कहा वन ऑफ द वाइफ, कितनी पत्नियां दिखाई हैं उनकी? आपको फिल्म के नाम से पता चल रहा होगा फ्रॉड सैया, तो फ्रॉड मतलब वो फ्रॉड है और उसने कुछ चार पांच शादियां करी हैं, तो उसमें से वन ऑफ द वाइफ। एक फिल्म कपिल ने भी की थी जहाँ उनकी तीन चार चार पत्नियां थी। क्या आप मानती हैं फिल्म का कंपैरिजन होगा? अब्बास मस्ताना ने डायरेक्ट की थी। हाँ, फिल्म आई थी ऑफ कोर्स, फिल्म भी अच्छी थी। नहीं, कंपैरिजन तो हम नहीं कह सकते हैं, कोई कंपैरिजन जैसी कोई चीज़ नहीं है। बिकॉज़ जब आप एक प्लेटफॉर्म पे होते हो, एक्टर्स अलग होते हैं, सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। आप ज़रूर वो कह सकते हो कि तीन बीवियाँ थी उसकी या कपिल की, बट मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन जैसी कोई चीज़ है। क्या आप मानते हैं कि एक चीज़ सिमिलर है इसमें, क्योंकि उनकी तीन पत्नियाँ थी, यहाँ चार पाँच पत्नियाँ हैं, ये मानती हैं आप? हाँ, पत्नियाँ तो हैं बट कैसे उसे प्ले किया है, उन चीज़ों को कैसे स्क्रीन पर लाए हैं, वो आप नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमने तो अभी फिल्म नहीं देखी। क्या आप मानते हैं कि कपिल और अरशद का कंपैरिजन होगा? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। नो, नेवर। कपिल बहुत अच्छे, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और अरशद वारसी अलग हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, कभी भी आप मतलब लाइक दो एक्टर्स को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है।
उससे अच्छा उससे बुरा डजंट मैटर, पर आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते या किसी की लाइक चीज़ों को, या हम कहते हैं कि वो रिजेंबल करती हैं मधुबाला से, लेकिन वो मधुबाला नहीं है ऑफकोर्स. ओके, आपके लिए क्या चैलेंज था इस फिल्म में काम करते वक्त? चैलेंज ऑफकोर्स थिएटर से सिनेमा में आना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था. और क्योंकि इतने बड़े प्रोडक्शन में मैंने कैमरा फेस नहीं किया था, सो थोड़ा मतलब ऑफकोर्स मेरे लिए तो चैलेंज था. और लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, सब ने मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया. मतलब फर्स्ट डे जब मेरा, मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट डे मेरा शूट था और हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे, तो मेरा सोलो सीन था और मैं मतलब बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फील कर रही थी कि मतलब कैसे करूँ क्या करूँ, बहुत डर रही थी. और तो मुझे सौरभ सर ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, बताया कि कैसे मतलब लुक कहाँ पर रखते हैं, किस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं. ऑफकोर्स तीन ढाई तीन साल पहले की बात है, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा. क्या आप मानती हैं फिल्म को डिले होने की वजह से कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता है. हाँ, डिले तो अक्सर कई सारे प्रोजेक्ट्स हो जाया करते हैं, मे बी कई सारी चीज़ें होती होंगी, आई डोंट नो, बट नहीं, क्यों फ़र्क क्यों पड़ेगा, मुझे नहीं लगता. किस जोन में देखती हैं आप फिल्म को? जोन इन द सेंस थ्रिलर है, कॉमेडी में मालूम पड़ता है, किस तरह की कॉमेडी होगी? कॉमेडी हर साल कई फिल्में आती हैं बॉलीवुड में. हाँ, कैसे उन फिल्मों से अलग होगी, क्या खास होगा जब मैं कॉमेडी की बात करता हूँ? अलग तो यहीं से हो जाता है जब मैं कहती हूँ कि फ्रॉड सैया में एक पति की 5 पत्नियाँ हैं, तो अलग तो यहीं से हो गया ना, कॉमेडी यहीं से शुरू हो गई, तो ये अलग है आई थिंक. और ऑफकोर्स अरशद वासी की कॉमेडी देखने लायक होगी. क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों आए और फिल्म का हिस्सा बने? जो भी अरशद वासी के फैन हैं या ऑफकोर्स कॉमेडी देखना चाहते हैं, कॉमेडी पसंद करते हैं, तो ऑफकोर्स ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए. Cut, cut.